ये जन सुनवाई थोड़ी सी आज जल्दी में जरूर है, लेकिन जितने भी आप लोग लेकर के आए हैं उनका एक एक का मैं विवरण बताता जाता हूँ, उसका समाधान बताता जाता हूँ। और मैं ये सारे के सारे SDM साहब को दूंगा। SDM साहब कल इसको रजिस्टर में एंट्री करके जो जो विभाग से संबंधित है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहे हैं, उस हिसाब से उनकी समस्या का समाधान करेंगे। जो सरकार तक जाएगी वो पन्ने मैं मंत्री जी की नोट शीट के साथ में ऊपर जाएंगे, मेरे से संबंधित होगा तो वो मैं रख लूँगा। और तमाम जितने भी जिले के अधिकारी हैं वो सुन रहे हैं, तो यही जन सुनवाई होती है कि सारे सुन रहे हैं कौन किससे संबंधित है, वो फिर SDM साहब से संपर्क करके और ये दे देंगे, सबकी सुनवाई होगी। तो ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण नहीं दे करके फिर लास्ट में एक बड़ी सी घोषणा करना चाहूँगा, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ में आए हैं, पहली बार मंत्री जी आए हैं, सारा प्रशासन आया है, तो कुछ जेब में लेकर के आया हूँ। मंत्री जी कह रहे हैं कि उधर भी दे दो, इधर भी दे दो, क्यों नहीं दे दो। ये ऐसे दिन चलते रहे तो पूरे प्रदेश में अब आप और हम देने वाले रहे, ये हमको देने वाले रहे, यही तो प्रक्रिया है, प्रजातंत्र इसी का तो नाम है। इन्होंने हमको राजा बनाया प्रजातंत्र में, तो अब इनका हक बनता है कि 5 साल हम जो ये कहें वो कहें, और फिर 5-4 दिन आपने खातर बहादुर हो रू आप कैसे जी आए करते से आ को अगर मन तरपत हो जाएगी, काया तरपत हो जाएगी जहाँ, तो थाने माने देखो कोई नुकसान है नहीं। और अगर इनके कामों में, इनके व्यवहार में, हमारे में इनके प्रति कमी रख दी तो फिर निर्णय इनका है। इसलिए चेष्टा हमारी जनप्रतिनिधि की यही होनी चाहिए कि जो होने वाला काम हो और जो मान सम्मान इनका होना चाहिए वो हो। मेरे यहाँ यही रहता है, इनके खुले दरवाजे हैं, न मेरे कोई गेट है, जब भी आओ मिलो अपनी बात रखो। न हम ज़्यादा नेतागिरी करते हैं, बीजेपी कांग्रेस बसपा कुछ नहीं करते हैं, 15 दिन सिंबल मिलने के बाद में पार्टी की बात करते हैं, उसके अलावा कोई नहीं करते। अब कोई आए ही नहीं उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, बाकी हम सब की सुनते हैं। एक तो धन प्रकाश जी मोदी हैं, इन्होंने बिजली के तारों की बात की है, कम ऊंचाई के तार हैं, तो मैं AVNNL इनसे SDM साहब से ले लेगा, और 15 दिन के अंदर अंदर अगर तार हैं तो ये ऊंचे हो जाने चाहिए। कायदे से तो 7 दिन है लेकिन 15 दिन मैक्सिमम है। 16वें दिन अगर धन प्रकाश मोदी जी का फोन आ गया तो ओड़मा एक्शन साहब को है। राकेश कुमार सैनी है, ये भी एक आवासीय मकान के दरवाजे के सामने पोल है, आप हटा दीजिए, अगर आपको आपके नियमों में नहीं आता है तो मेरे विधायक कोष से आप एस्टिमेट बना के पैसे ले लीजिए, लेकिन राकेश कुमार सैनी ये बताएगा कि ये पोल यहाँ रुकेगा और जहाँ लगेगा पोल वहाँ कोई का विवाद नहीं होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपने से उठा करके दूसरे के चेपना चाहे तो फिर दिक्कत है। तो ये भी मैं एक्शन साहब को SDM साहब के माध्यम से दे रहा हूँ। फिर आपका एक रोडवेज की बसें नहीं ठहरने की बात है, तो मैं खुद भी बात कर लूँगा और मंत्री जी को मैं देना चाहूँगा आज कि आप भी एक यो नोट अपना दें और कलेक्टर साहब भी एक चिट्ठी लिखेंगे कि भाई ये बसें रुकनी चाहिए। और मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं कि 15 दिन बाद में कोई भी बस आपकी सीधी नहीं जाएगी, लक्ष्मणगढ़ में 100% रोकना ही पड़ेगा, ये व्यवस्था हम लोग कर देंगे। फिर पानी की टंकी और ट्यूबवेल नरसाज के लोगों ने कहा है, तो मैं एक्शन को दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर अगर इनकी कोई नई स्वीकृति है तो ये स्वीकृति हो जानी चाहिए। गाँव आबादी की आबादी के आसपास कोई भी ट्यूबवेल टंकी की आवश्यकता होगी तो हम लोग 1 महीने के अंदर अंदर इनकी स्वीकृति ला देंगे। फिर कृषि कनेक्शन का नाम शुद्धिकरण है, कोई घीसाराम ढूंगाराम नरोदड़ा का है, मैं SDM साहब को दे रहा हूँ कि इनको देख लीजिए, होने वाला वो कर दीजिए, नहीं हो रहा हो, कानून में नहीं आता हो तो इनको आप बताएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक्शन, फिर घासीराम जी ने एक कोई कृषि कनेक्शन के बारे में बात की, वो एक ही बात है, ठीक है। पुराना ट्यूबवेल खराब होने के कारण से ये ग्राम पंचायत गस्सू, ये आप 15 दिन के अंदर अंदर एक्शन साहब नोट कर लीजिए, सरपंच सुंदरी देवी ये हमारे उप प्रधान जी थे पहले, उनकी माता जी हैं, आप 15 दिन के अंदर अगर पानी सूख गया तो दूसरा ट्यूबवेल कर दीजिए। एक्शन साहब स्वीकृति आप 1-2 दिन में ले आइए, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कृष्णाऊ में खेल मैदान के अतिक्रमण हटाने बाबत SDM साहब आपको दे रहा हूँ, जो जायज बात हो, क्या करना क्या नहीं करना, आप जायज बात हो आप खुद एक बार देख लीजिए, कर लीजिए क्या मामला है, इसको कैसे निपटाया जा सकता है।
पर्यटन विभाग से मनीषा कुमारी जी ने राजास में कहा है कि 30 लाख रुपए की हमको टिन शेड, रन रोगन, राजास में बालाजी के मंदिर में, ये मैं मेरे पास में ले जा रहा हूँ, मेरे जो काम करते हैं फूल जी उनको दे रहा हूँ, इस फरवरी वाले बजट में आपको ये 30 लाख रुपए मिल जाएंगे राजास वालों को, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप नोट कर लीजिए। पुलिस थाना बलारा में रिपोर्ट नहीं दर्ज करने वाला, मैं पप्पू राम नोपा राम का मामला है, ये मैं एसडीएम साहब आप डीवाईएसपी साहब को दे दीजिए, ये दिखवा लेंगे, जायज काम होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्राम पंचायत डहरकाबास के 3-4 पन्ने आए हैं, जो एक तो पर्यटन देवस्थान से संबंधित है, एक वीडियो से संबंधित हरिजन मोहल्ले के सौंदर्यकरण की सड़क की बात है, एक सार्वजनिक कुएं की बात है, और ये एक 5-7 दशे काम है। इन सबके लिए वीडियो साहब के मैंने मार्क किया है, वीडियो बना करके देगा, आपके पंचायत समिति में होगा तो वहां से कर दीजिए, वरना मेरे कोटे से मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको इनके एस्टिमेट बना करके इनके सबके मेरे को आप दे देना। एक नवकर्मोन्नत माध्यमिक विद्यालय में आवश्यकता के क्रम में ये जगह है, रेणु भी को पोटली ले आयू, मैं चिंता करवाए बात को नहीं, खूब धन कमरा उमरा काई कराणू कुछ भी कराणू, भी की घोषणा बता दूंगा। पानी की टंकी ट्यूबवेल गीता देवी सदस्य वार्ड नंबर 3 पानी की टंकी सेठों की ढाणी में, ये एक्सेल साहब आप नोट कर लेना, गोगामणी के पास एक ट्यूबवेल की आवश्यकता है, आप देख लेना आपके नॉर्म्स में आता है तो ये 1 महीने के अंदर अंदर ये ट्यूबवेल आपका सेंक्शन हो जाना चाहिए, ये आपको देख लीजिए, मैंने एक्सेल के नाम नोट किया है। ग्राम दिशनाऊ पश्चिमी कोने में खेत का रास्ता, एसडीएम साहब आप दिखवाना इसको, तहसीलदार से रिपोर्ट लेना ना, मैं आपके नाम मैंने मार्क किया है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने बाबत ये भी मैंने आपको किया, क्यों नहीं जुड़े, वोटर लिस्ट में तो नाम होना ही चाहिए, कहाँ दिक्कत आ रही है। एक विद्युत लाइन है, ये कोई हजारी जी, सुल्तान जी, भोमकाना सनो, भोमाराम, बंजारा बस्ती आबादी, 7 घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन है, ये मैंने एससी साहब के नाम से नोट किया है, तो आप एससी से या एक्सएन से प्रपोजल बना करके, अगर बस्ती के ऊपर से है तो पैसा लगेगा बिजली बोर्ड का, बस्ती के ऊपर से नहीं है तो फिर आप मुझे बता देना, अगर एक भी मकान के ऊपर से है तो पैसा लगेगा बिजली बोर्ड का, अगर जरूरत पड़ेगी मेरे कोटे से देने की मैं दे दूंगा, लेकिन ये 1 महीने के अंदर अंदर आपका हट जाना चाहिए, या आप इसको तय कर लीजिए। फिर किरण देवी जो है पार्षद, इसने कोई पानी की समस्या बताई है लीकेज की, एक्सेल साहब कल या परसों 2 दिन के अंदर अंदर ये लीकेज वाली मामला समाप्त हो जाना चाहिए, आप देख लीजिए, एक पार्षद को यहाँ तक आना नहीं पड़े, आपकी जिम्मेदारी, आप वहाँ देखेंगे। वार्ड में स्ट्रीट वायर लगाने के बाबत, इसके लिए ईओ साहब को दे देना, ईओ साहब एस्टिमेट बना के बिजली बोर्ड वालों से, और जहाँ जहाँ भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्योंकि अब हमारे अंडरग्राउंड केबल के 13 करोड़ रुपये सेंक्शन हो गए हैं, 13 करोड़ रुपये अंडरग्राउंड लक्ष्मणगढ़ के लिए केबल के हो गए, तो वो काम चालू हो उससे पहले पहले आपको ये जो स्ट्रीट लाइट के जो वायर हैं उसका अगर एक्सटेंशन करना होगा तो वो कर लीजिए। ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए, अब कोविड चला गया है तो डिप्टी साहब तो देखेंगे, मैं जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर 4 होमगार्ड के जवानों को यहाँ परमानेंट तैनात करवा दूंगा, जा करके बात करके, और ये हमेशा हमेशा के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था हो जाए, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ये राजकुमार सैनी जी ने समस्या बताई है, आप चिंता मत करो, भाभी हो जाएगी, जिलो बना जाएगा, आप थोड़ा धीरे धीरे होगा ना, ट्रेन बिगाड़ा भी लगा देंगे, बढ़ा जाएंगे, नफरी बढ़ा जाएंगे, ठीक कह दियो, थे हमारा चेयरमैन रियड आओ था कि बात ना थोड़ी एसपी साहब, तो ट्रैफिक बढ़ा दियो, फिर रोड के देखी जैसी आ लियो साहब हरी तय, अरे मेरी तो सही मान रख है मेरे तो, इसलिए थे भी रखो है भी रखे अधिकारी भी। मातानी जोड़ी आबादी विस्तार है, ये एडीएम साहब आप इसको देख लेना क्या है क्या नहीं है, एसडीएम साहब आप चर्चा करके अगर जरूरत हो तो कलेक्टर साहब के पास प्रस्ताव भिजवा देना। खेल मैदान कटवाणी की भी मैंने एडीएम साहब को भेजा है, क्योंकि मैं जिला कलेक्टर को बहुत पन्ने दे देंगे तो फिर नीचे से ही फाइल आती है, तो मैं समझता हूँ कि एक बार एसडीएम साहब और एडीएम साहब ये देख लेंगे और फिर जो होने वाला काम होगा तो वो जिला कलेक्टर महोदय के पास भेज देंगे। पंचायत भवन का रोरूबड़ी में काम चलाने की बात है, ये देखो भाई अब इसको आप अटकाओ मत, वहाँ भवन आप कहोगे उतना और बना देंगे, गाँव के बीच में जगह है हमने आपको दे दी, वहाँ पर आप बना लो, फिर भी कोई बात है तो एसडीएम साहब दोनों पक्षों को कल बुला लेना और इसको निपटा देना, इनके भवन की बात है और बना देंगे, राजीव गांधी भवन बना देंगे, पंचायत भवन बन जाएगा,
पवन उधर बन जाएगा, जैसे भी कर लेंगे, लेकिन ये विवाद नहीं रहना चाहिए। गांव के लोग चाहते हैं गांव के बीच में पड़े, तो सरपंच साहब भी बहुत सज्जन है, पार्टी हम करते न वो करते पार्टीबाजी, इसलिए इसको निपटा देना। मावलियों की डाणी को पट्टा देने की बात है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है यू साहब, देख करके रेजिडेंट साहब आप थोड़ा सा इसको चेक कर लेना। कृषि कनेक्शन के संबंध में आदेश पारित करने पन्ना राम जी हैं कोई ऋणों के, तो ये इसको आप, मैंने SEVNL को कहा है कि अगर इनका कोई जायज हक बनता है और क्यों नहीं हो रहा है, अगर देखो भाई कोई जायज बात है, लाइन ले जा रहा है, कनेक्शन ले जा रहा है, उसको रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा ही हो, उसका कनेक्शन होना चाहिए, वो भी किसान है, उसके भी कहीं कहीं बिजली आनी चाहिए, तो इसको इस धारा के साथ में इसको आपको देखना है। किरण देवी जी ने और भी वार्ड में विद्युत पोल की ऊंचाई बढ़ाने के, तो नए पोल लगा दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, जब अंडरग्राउंड के 13 करोड़ ला रहे, आपको जितने पोल चाहिए, एक्सेल साहब कहाँ बैठे, जितने पोल चाहिए, कुछ भी चाहिए, ये पुराने हो गए, 50-60 साल के जर्जर हो गए, इनको लोहे वालों को तो हटाओ और बढ़िया से बढ़िया पोल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप तो एस्टिमेट बना के भेज दो MD से या सरकार से, पास कराना मेरी जिम्मेदारी। SC साहब पूर्व साइड में, SC साहब हो गए ठीक है, तो पूर्व साहब बैठे हैं तो पूर्व में ही रह जाओ, पश्चिम में रहना भी नहीं चाहिए। फिर ठीक है, डिम्पल जी ने भी सीवरेज कार्य में खराब गुणवत्ता के संबंध में बात कही है, तो SDM साहब इसको चेक करवाओ आप, ठीक है, नमस्कार। पानी की पाइपलाइन डिम्पल जी ने कही है, ये एक्सेल साहब के नाम मैंने मार्क की है, ये पानी वाले लीकेज वाले या छोटी मोटी पाइपलाइन की बात हो, ये 2-3 दिन 4 दिन इसमें हो ही जाने चाहिए। पोल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी डिम्पल जी ने कही है, ये भी आप दिखवा लेना, एक समस्त ग्रामवासी रोरू बड़ी टीबा की ढाणी के लोग हैं, इन्होंने भी पंचायत भवन वाली बात कही है, उसको मैंने बता दिया, आप देख लेना। महाराजा सूरजमल नगर मोदी कॉलेज के पास भयंकर अव्यवस्था, तो आप SDM साहब स्वयं और EO साहब को भेज करके इसकी रिपोर्ट बनाइए, कोई भयंकर अव्यवस्था किस बात की है। SCAVNL बिजली लाइन के दूर शिफ्ट कराने बाबत अलगपुरा गोदारान के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि अलगपुरा में बिजली 11,000 की लाइन जा रही है, घरों के करंट आने की संभावना, इसको कल आप दिखवाइए क्या बात है क्या नहीं है, जो भी समाधान हो आपको करवाना है, कोई दिक्कत मेरे लिए हो तो आप मुझे बता देना। नवीन कृषि कनेक्शन की कार्रवाई हेतु सभी खेतों में ले जा, सामान भी खेत में ले जाकर रख दिया, आप कनेक्शन नहीं दे रहे, तो इसको जल्दी, मैंने MD से बात की है, अभी इसी 1-2 दिन में ही 100 DP और दिलवा रहा हूँ, अगले सोमवार को फिर 100, यानी 200-300 DP 15 दिन के अंदर अंदर दिला दूंगा, तो जो भी कनेक्शन होंगे वो जल्दी से जल्दी, ठेकेदारों की संख्या बढ़ानी पड़े, लेबर की बढ़ानी पड़े, आप देख लीजिए। डूडवा में कोई सरकारी भूमि पे अतिक्रमण की बात है, इसको भी आप SDM साहब आप ही दिखवाएंगे, वीडियो लक्ष्मणगढ़ से रिपोort ले लीजिए। एक डूडवा में रिक्त पदों की भरने की बात है, DO साहब आप देख लीजिए, प्रमोशन अभी होने वाले हैं, जनवरी के अंदर DPC हो रही है, तो उसमें देख लीजिए। और डेपुटेशन गए यथावतरा को मत हनके हो, मत कराओ डेपुटेशन, है तो ऐसा ही चीज है, माटी को घड़ो है खोल लियो बाजार देख लियो, मुक्की की तीर फट देसिन फूट जाए, और डेपुटेशन तो यही है भाई, जनता चल रहा है चलवा दो, अब नयो मंत्री बने तो भाई तो क्यों करेगा। एक ये है PHC बनाने का, कोई गाड़ोदा का मामला है, CHC कर्मोन्नत करने की मांग है, अब मैं देखूंगा ना बजट में क्या कहीं मिले कहीं नहीं मिले, और गाड़ोदा में कोई पर्यटन के मामले में भी 1 किलोमीटर की सड़क की बात है, तो ये अपने बजट में ले आएंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मेरे पास रहेगी ये, आप मेरे को जो पर्यटन लिखा फूल जी के पास भेज देना। कटाड़ी रास्ता खुलवाने बाबत है, ये सिंगडोला बड़ा का हरि प्रसाद जी कोई ब्राह्मण है, तो SDM साहब आपको दे रहा हूँ, नायब तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर के देख लेना। गाड़ोदा में 11 KV की लाइन जा रही है जो बहुत ही खतरनाक है, वार्ड नंबर 4 से, तो इसको भी SDM साहब आप देख लेना, आपकी परिधि में आ रही है तो आपको हटाना है, थोड़ा बहुत 50,000 रुपये खर्चा अगर कोई MLA से देना पड़े कोटे से तो हम दे देंगे, लेकिन अगर वास्तव में इनकी परेशानी है तो इसको समाधान हमको करना है। फिर ये कमला देवी जी ने और भी कोई रखी है, वो भी ठीक है, एक विरासत का नामांकन क्यों नहीं हुआ, तो ये आप देख लीजिए, कोर्ट में स्टे नहीं है तो कल की तारीख में इसको दिखवा करके मैंने आपके नाम भेजा है। वासनी से सड़क मेवा की ढाणी में कृषि भूमि के पास की चौड़ाई सीमा ज्ञान कराने, तो ये भी आप देख लीजिए विधिवत, उनको बुला करके बात कर लीजिए। प्रशासन गाँव के संग 90A के आदेश प्रसारित करके लेआउट प्लान, ये आप EO नगर पालिका इसको दिखवा ले कि क्या ये क्या चाहते हैं। और एक कोई मुआवजे का, इकबाल पुत्र जीवन खां दिंगाणिया लक्ष्मणगढ़, इसमें
कोई भीषण आग से क्षति हो गई थी? बहुत भीषण आग लगी सर वहाँ पर, जल तो नहीं हुआ नष्ट, लेकिन सब इसकी, कुछ नष्ट हो गया। इसकी कल की तारीख में रिपोर्ट करके और 7 दिन के अंदर अंदर जो भी आपका बनता है इसमें जो नियमानुसार वो कलेक्टर साहब आप इसको दिखवा लेंगे। नहीं नहीं मैंने चिंता मत कीजिए, जो नॉर्म्स बने हुए हैं आज से जलने के, उस नॉर्म्स में जितना खर्चा जो सरकार मुआवजा दे सकती है वो आपको 7 दिन 10 दिन के अंदर मिल जाए। मेरी बात सुनिए, इसमें बात सही है आपकी, लेकिन जो कानून में आता है वो तो दिला देंगे हम सरकार से, और फिर अपन तीनों बैठे हैं जो भी करना हो। जी जी बिल्कुल, इसको थोड़ा सा अजीत साहब स्पेशली आप दिखवा लेना, इसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना। अब आप बैठो ना, तो आप बताओ फिर दूसरा तो कोई। फिर ठाकुर जी के मंदिर के नवीनीकरण की बात है, ये मैंने देवस्थान मंत्री जी खुद अपने साथ में ही है, तो मैं इनको दे दूंगा, जिससे ये जो भी होगा, ये रुलेना माली के लोग हैं, इन्होंने दिया है। एक विजयपुरों में भी मुख्य चौक में एक पुराना कुआ है, उसकी मरम्मत करानी है, तो ये पर्यटन वाले में हम लोग दे देंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और एक मीरन में बरसाती पानी की समस्या है, ये वीडियो नेचवा देख लेंगे आप देख। और BCMHO के लिए बाजरोनी में उपस्वास्थ्य केंद्र का भवन का निर्माण है, तो पट्टा है और पट्टा है तो पट्टा आप दे दीजिए, फिर भवन का पैसा अपन बजट में ले आएंगे। मीरन में बिजली के ग्रेड की भूमि आवंटन करने के लिए, तो ADM साहब इसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं हो रही है, ये तुरंत हो जानी चाहिए। DM साहब ये SDM साहब आपको भेज देंगे। ग्राम सहकारी समिति से भी भूमि के आवंटन की बात है, ये भी आप देख करके DM साहब को बता दीजिए। बिजली ट्रांसफार्मर रास्ते से हटाना, जोगेंद्र जोशी है तो इनका भी मैं SC साहब को दे रहा हूँ, ये भी आपका हटाएंगे। फिर ग्राम गंदे के पानी की निकासी नाला निर्माण कार्य सरपंच बलाराम, तो ये BDO साहब आप एस्टिमेट बना के दीजिए, हमें कहाँ से पैसा देना हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्वती देवी जी की अनुकंपा नियुक्ति नहीं है, तो ये DO को मैंने दिया है, तो आप DO को भेज देना क्यों नहीं हो, कल की तारीख में हमें बताना चाहिए। कल की तारीख में ये विक्रम सिंह सत्यनारायण सिंह सत्यनारायण निवासी वार्ड नंबर 14 है, इनको सूचना मिल जाएगी कि आपका क्या दिक्कत आ रही है और हम कब तक इसको समस्या को समाधान कर देंगे। फिर सीमा ज्ञान की चारागाह की बात है, तो ये SDM साहब आप देख लेना। शीतलहर से नष्ट हुई फसलों के लिए भी महेश जी जाकड़ हमारे किसान नेता ने कहा है, तो ये भी SDM साहब आपको देखना है, इनकी भी काम चलता रहे और किसानों को फायदा मिलता रहे और हमारा भी थोड़ा ठीक ठाक होता रहे, तो ये भी आप देख लेना। एक पट्टे का मामला है, गोपाल कृष्ण शर्मा जाजोद का, तो ये घर का पट्टे की बात है, अगर आबादी भूमि में है तो ये पट्टा SDM साहब आप इसको 10-5 दिन में दिलवा देना, आबादी में नहीं है तो फिर आप बताना देख लेने, क्योंकि चारागाह का भी अभी कैबिनेट ने पास कर दिया है 100 मीटर तक का, तो 2-4 दिन में सर्कुलर निकल जाएंगे, अगर कोई आप चारागाह भूमि में बसा हुआ है 80 से पहले का, तो उसको भी अगर एक परिवार में 100 मीटर है लेकिन 2-3 राशन कार्ड अलग है, तो 100-100 मीटर दोनों तीनों को जैसे भी करा के रास्ता अपने को निकालना है। एक हमारे MP सैनी साहब पूर्व चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने कहा है कि 200 मीटर CC सड़क का निर्माण है, तो ये साहब आप देख लेना, ये जो भी पैसा लगेगा हम दे देंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो एस्टिमेट बना के मेरे पास भेज देना। फिर ये है उमेश कुमार शर्मा एडवोकेट जी, इन्होंने कहा है कि प्रथम सूचना रिकॉर्ड में प्रभावी कार्रवाई नहीं करनी है, तो ये SP साहब बैठे ही हैं तो ये देख लेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। बाकी उस लोगों ने बाद में दी है, कृषि कनेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करने बाबत, वो तो जब सहमति नहीं होगी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैं SC साहब को उसको दे देता हूँ। पीडब्ल्यूडी द्वारा घिरनिया बड़ा में खोदी गई नाली का निर्माण पूरा करने, SA साहब है पीडब्ल्यूडी क्या वो गिरने वाला, मैं कल गांव गया था, मैं वहीं से आऊँ 3 दिन पहले, मेरी दादी जी जो परिवार में चल गई थी, वो नाली जब तक नहीं बनाओगे ना तब तक आपको 1 रुपये का पेमेंट नहीं लेने दूंगा ठेकेदार, पानी सड़क के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये 15 दिन तो है आपके, 16वां दिन है मेरा, समझ गए बात को, 13 करोड़ रुपये सड़क के करे और वहाँ आपने नाली ले जा करके गाँव का पानी फैला दिया, नाली क्यों नहीं बना सकते, किस कौन से अधिकारी ने कहा आपको नहीं बननी चाहिए। गिरनिया में चक्की से निकलते ही जहाँ चौराया है उस चौराहे पे पानी भरता है, वो पानी मेरे को 15 दिन बाद में नजर नहीं आना चाहिए,
आपकी किसी तरह की दिक्कत हो मेरे से सीधा बात करेंगे, 15 दिन बाद में मैं उधर से मेरे गांव जाऊंगा, वहां पर पानी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। VCR की 50% के आज बंद नहीं करने बाबत, तो ये मैं एक्सचेंज साहब को दे रहा हूँ, ये देख लेंगे। अब बात आ है, देखो ये सब चीजें थी जती थी है ना, वह जति अधिकारियां देर जावा 15 दिन के माए माए थके कन्ने कोई न कोई को अगर नंबर थारा दिया तो फोन आवा को के थाको वो काम यहाँ हो गो है, वो काम सारे के सारे एक बात दिमाग में रख लें, जो भी जिससे संबंधित जिसको भी दे रहे हो उसकी बाकायदा पावती रसीद दोगे, उसके नंबर नहीं है तो खोजोगे और उसको टेलीफोन करोगे कि भैया ये काम तेरा हो गया है, ये तेरा इतने दिन में हो जाएगा और ये काम तेरा होने वाला नहीं। अगर कोई कहता मुझे पेंशन दो वो क्राइटेरिया में नहीं आता है तो नहीं होगा, अगर कोई कह रहा पट्टा दे और पट्टे का नियमों में नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, तो उसको ना करने की हिम्मत भी रखो। मैंने तो मेरे इन लोगों को यही सिखाया कि हाँ है तो हाँ है कर दो और ना है तो ना है। अब एक नीति सी घोषणा कर दें क्योंकि मैं जानू पड़ेगा को मजबूरी है, आपके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के लिए और शहर भी उसमें शामिल है, आज ही स्वीकृति निकली है 13 करोड़ रुपए पर्यटन विभाग से, 13 करोड़ रुपए 102 गांव में और सबके सब कामों की पंचायती राज ग्राम पंचायतें एजेंसी होंगी। ये स्वीकृति मैं दे रहा हूं 12,95,00,000 रुपए की तो ये है और 1,95,00,000 की अलग है, ये सारी स्वीकृति मैं आज लेकर के आया हूं, मैंने रात को ही बैठ करके निकलवाई है। ये सारे के सारे मीडिया के बंधुओं को अभी 10 मिनट में मैं PDF भिजवा दूंगा। ये 13-13.5 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो आपको मिल गई है और 13 करोड़ रुपए की शहर के लिए अंडरग्राउंड की स्वीकृति सुबह शाम में 1-2 दिन में 3 दिन में आपके आ जाएगी। ये 36 करोड़ रुपए जिसमें 13 करोड़ रुपए तो आपके शहर में अंडरग्राउंड केबल के हैं और 2 काम बड़े हैं जो यहाँ पर लक्ष्मणगढ़ के इसमें पर्यटन में भी हैं और बाकी ग्राम पंचायतों में नेचवा और लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में तमाम हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब इसके एजेंसी होंगे, वो लोग बात सारे के सारे लोग काम करेंगे, कोई नहीं करेगा तो पंचायत समिति से हम लोग टेंडर करके वैसे करा देंगे। लेकिन हमने ये सरकार से मुख्यमंत्री जी से और फाइनेंस से बात करके कहा भाई PWD छोटे छोटे काम नहीं करे, 10-10, 5-5, 15-15, 20-20 लाख रुपए के काम है, हमारे ग्राम पंचायतों के सरपंचों को भी काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आपके लिए तोहफा मैं लेकर के आया हूँ, तो ये मैं तोहफा दे दिया है आज मंत्री जी की उपस्थिति में। एक मिनट बैठो, मन बीच वाली कोई पर्सन आओ मेरे फिर मैं थारी सके सुन लो जा। तो ये सारे के सारे अनंत इसको सबको लेकर के SDM साहब को दे दो, फूल जी ये छांट लेंगे जो भी काम अपना होगा जो मेरे लायक होगा। अभी बजट में लाना होगा, क्या लाना होगा वो मेरे दिमाग में है, आप में से कोई बताना चाहे तो मुझे फोन करके घर पे लिखा के बता देना। सड़कों की मेरे ध्यान में है, बड़े बड़े काम 2-4 और रह गए वो ध्यान में है, ये नेचर पार्क को और बजट दिलाना है वो मेरे ध्यान में है, एक ये भी ध्यान में है कि ये पगड़िया स्कूल वाला कैसे और ब्रिज बने, अंडर ब्रिज बने, क्या बने, ये भी हम लोग इसको भी दिखवा रहे हैं। बिजली का ग्रेड एक मैंने घोषणा कर रखी है जो बजट के अंदर मैं समझता हूँ आना चाहिए कि हमारे 16 में 133 KV का ग्रेड बनना चाहिए, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, मैं समझता हूँ आने वाले बजट में कुछ और तोहफे लक्ष्मणगढ़ शहर और गांव के लिए आएंगे। आज की जो जन सुनवाई है मैं थोड़ा सा इसलिए करता हूँ कि एक एक अधिकारी सुनेगा करेगा फिर बात करेगा, तो मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी के हिसाब से आपका भी समय ज़्यादा जाया नहीं हो, अधिकारियों का भी नहीं हो, तमाम ये अधिकारी सुन रहे हैं, ये SDM साहब के पास सारे पन्ने जाएंगे, मेरे लायक होंगे वो मेरे घर भेज देंगे, जिस अधिकारी से संबंधित होगा वो जिस अधिकारी को दे देंगे, लेकिन 15 दिन में उसके पास में आपके किसी भी अधिकारी का फोन जरूर जाना चाहिए। जब दोबारा हमारी मीटिंग हो तो ये नहीं हो कि साहब आपको हमने एप्लीकेशन दी थी लेकिन आज 2 महीने बाद में भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ये नहीं होना चाहिए, होने वाला काम होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा। तो मैं तमाम प्रशासन के अधिकारियों को और इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप चूंकि उपखंड के मालिक यहाँ पर SDM होता है तो मैं SDM साहब से चाहूंगा कि वो बात भी रख दें और अपना धन्यवाद भी कर दें।